हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एज वी अर्लियर स्टडी अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट। तो हम लोगों ने वहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन डी से। इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं और थोड़ा सा ओपन करूं तो मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू बी ओवर एम बी। तो यहां से मेरे को सीधे सीधे पता चल रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आप लोगों को याद होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी वी कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट। हम लोग जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से डिटरमाइन कर रहे थे। ये उसकी एक बहुत अच्छी, बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस थी, एप्लीकेशन थी। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी हैं उसमें हम लोग जो सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व कर रहे थे सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बट जो सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व कर रहे थे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट था। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का मतलब क्या है कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस विच नाइदर गेट डिसोसिएटेड नॉर गेट एसोसिएटेड। मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो डिसॉल्व होने पर ना तो डिसोसिएट होता है अपने आइंस में और ना ही वो एसोसिएट होकर पॉलीमर बना देता है। तो हम लोगों ने जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है वो किसके रिस्पेक्ट में पढ़ी है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में पढ़ी है। बट ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हर बार नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ही हमारे पास होगा। मे बी पॉसिबल कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट हमारे पास आ जाए, कोई ऐसा सॉल्यूट हमको मिल जाए जो डिसॉल्व होने के बाद या तो डिसोसिएट हो रहा होगा या एसोसिएट हो रहा होगा। तो हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि थ्योरेटिकल जो हमारे पास फॉर्मूला है वो अलग वैल्यू आएगी, थ्योरेटिकल जो हम लोग कॉपी पेंसिल से सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम लोग वैल्यू देखेंगे वो डिफरेंट आएगी। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा थ्योरेटिकल वैल्यू में और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में या कैलकुलेटेड वैल्यू में। जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो अलग होगी और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो अलग होगी। तो एक तरह से एक एबनॉर्मलिटी अराइज हो गई, इसीलिए हमने यहाँ पर बोला एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब वेन एवर एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इट मे आइदर गेट डिसोसिएटेड और गेट एसोसिएटेड। तो हम तो ये मान के चल रहे थे कि वो ना तो डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा, इसका मतलब जो थ्योरेटिकल फॉर्मूले से वैल्यू आएगी वही वैल्यू एक्सपेरिमेंटल आएगी। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यू। तो उस डिफरेंस को हमें यहाँ पर रेक्टिफाई करना है, उसको करेक्ट करना है, तो हमें एक करेक्शन फैक्टर की आवश्यकता होगी और वो करेक्शन फैक्टर होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर। साइंटिस्ट थे वॉन्ट ऑफ, उन्होंने एक करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस किया दैट इज वॉन्ट ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम अभी तक क्या कर रहे थे, हमारे पास एक सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट में हमने एक सॉल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट में। तो हमारे पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको मिल गई थी और उन चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग मेनली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पता कर रहे थे। ठीक है, मान लीजिए अभी आपने जो सॉल्यूट इंट्रोड्यूस किया है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, मतलब वो या तो डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व किया और ये यहाँ पर डिसोसिएट हो गया। एक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब आपने यहाँ ऐड किया और ये डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट का मतलब ये टूट गया, तो डेफिनेटली इसका मॉलिकुलर वेट क्या हो जाएगा? कम। तो एक्सपेरिमेंटल आपको वैल्यू मिलेगी कम, लेकिन थ्योरेटिकल जो फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें तो कहीं भी वो डिसोसिएशन वाला फैक्टर आपने यूज़ नहीं किया है। तो यहीं से वो एबनॉर्मलिटी अराइज होती है। उस एबनॉर्मलिटी को करेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट वॉन्ट ऑफ
वॉन्टॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, वॉन्टॉफ फैक्टर, जिसको हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने, देखिए, आई इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओवर थियोरिटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम लोग निकालेंगे आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू पता की जाएगी, और फॉर्मूला जो है हमारे पास उससे वैल्यू पता की जाएगी, इनका जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू आई। और एक पॉइंट देखिए, हम लोगों ने यहाँ देखा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटली मॉलिकुलर वेट पता किया जाएगा उसको एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर वेट और इसको थ्योरेटिकल मॉलिकुलर वेट। तो देखिए, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल सीपी में लिखूंगा 1/ एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर वेट, और इसको लिखूंगा थ्योरेटिकल मॉलिकुलर वेट। तो ओवरऑल मैं इसको क्या लिखूंगा, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट ओवर एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं आई के, एक तो है एक्सपेरिमेंटल सीपी ओवर थ्योरेटिकल सीपी, और एक है थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट ओवर एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल। तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल सीपी को हम लोग लिख सकते हैं एबनॉर्मल सीपी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। और नीचे थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसको हम लोग फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे और ये एक्सपेरिमेंटल पता की जाएगी। अगर वो डिसोसिएट होगा तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, एसोसिएट होगा तो कुछ अलग वैल्यू आएगी। तो इसीलिए मैंने इसको बोल दिया एम नॉर्मल और इसको बोल दिया नॉर्मल। ऐसे यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ तो ये बन जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट और नीचे आ जाएगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए, अभी यहाँ पर जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एबनॉर्मलिटी अराइज क्यों हुई है, ड्यू टू डिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। दूसरा, एबनॉर्मलिटी को करेक्ट करने के लिए वॉन्टॉफ ने एक करेक्शन फैक्टर दिया जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम लोग इस आई की डेफिनेशन बनाना चाहें तो सिंपल बन जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। अच्छा, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को मैं दूसरे फॉर्म में, कि एबनॉर्मल सीपी इज इक्वल टू आई इंटू नॉर्मल सीपी। ये जो करेक्शन फैक्टर है ये मेन फैक्टर हो गया मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के देखो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, डेल्टा पी ओवर पी नॉट ए बराबर एन बी ओवर एन ए। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। और तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलैलिटी। और चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में केवल आई का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर ये करेक्शन फैक्टर हमको पता चल जाए, एनी हाउ इफ वी डिटरमाइन दिस आई करेक्शन फैक्टर देन वी कैन डिटरमाइन द एबनॉर्मल सीपी, ठीक है। तो हम लोग इस सीपी को इस आई को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए, अगर हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है, अगर ये डिसोसिएट हो रहा है
तो डेफिनेटली डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ आइंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर एसोसिएट होगा, देखो डिसोसिएट होने पर समझिए कि आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड। इफ दिस सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर देन इट विल डिसोसिएट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। आपने NaCl का 1 मोल डिजोल्व किया था, लेकिन डिजोल्व होने के बाद 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस, तो टोटल कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स, 2 मोल्स हो गए। तो जो थियोरेटिकल वैल्यू निकाल रहे थे वो तो आप लोग 1 मोल के लिए निकाल रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली किसके लिए निकलेगी, 2 मोल्स के लिए। तो यहाँ पर करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है आई। अब उस आई को कैलकुलेट करना है अगर सॉल्यूट डिसोसिएट होता है तो। अगर मान लीजिए आपने एसिटिक एसिड लिया CH3COOH, अगर आपने एसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया देन दिस एसिटिक एसिड गेट डाइमराइज। इसका मतलब क्या है कि 2 मोल्स मिलकर 1 मोल बना देते हैं। मान लीजिए आपने 2 मोल एसिटिक एसिड डिसॉल्व किया था और आपने जो फॉर्मूले से वैल्यू निकली थी वो 2 मोल के अकॉर्डिंग निकलेगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वो 2 मोल एसोसिएट होकर कितने मोल हो गए हैं, 1 मोल। तो यहाँ पे करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस होगा आई, और आई को कैलकुलेट किया जाएगा एसोसिएशन के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्शन फैक्टर है उसके 2 केस बनते हैं, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। देखिए अब हम लोग देखते हैं इफ सॉल्यूट इज डिसोसिएटेड, इफ सॉल्यूट इज डिसोसिएटेड, देखिए तब हम लोग करेक्शन फैक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सॉल्वेंट है और आपने इसमें कोई सॉल्यूट ऐड किया, मान लीजिए NaCl आपने इसमें ऐड किया, तो NaCl जब इसमें डिसॉल्व होगा तो अभी जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकलेगी वो तो NaCl के रिगार्डिंग में निकलेगी, 1 मोल ऑफ NaCl के रिगार्डिंग, लेकिन आफ्टर डिसॉल्यूशन ये क्या बनाएगा, 1 मोल ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस। तो थियोरेटिकली 1 मोल की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एक्सपेरिमेंटली 2 मोल्स के लिए निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि डिसोसिएशन के केस में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो ज़्यादा आती है थियोरेटिकल वैल्यू से। अब देखिए हम लोग एक यहाँ पर एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार NaCl ही मिलेगा हमको। हम लोगों ने क्या किया, एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया AxBy। ये कोई AxBy इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो देखिए कुछ ऐसे आएगा, Xa प्लस वाई एंड YB माइनस X। अब ये कैसे आ गया इसको समझिए। मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। जब ये डिसोसिएट होता है तो देखिए 2 एल्युमिनियम मोल्स मिलते हैं और 3 सल्फेट आइंस मिलते हैं। अब देखिए ये जो नंबर लिखा रहता है नीचे सबस्क्रिप्ट में, एल्युमिनियम के नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब इट विल गिव 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज कितना आएगा, ये जो 3 है ये एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज है और ये जो 2 है ये सल्फेट के ऊपर चार्ज है। तो यहीं से मैंने इसको यहां लिखा है AX, मतलब X मोल ऑफ A। अब A के ऊपर चार्ज कितना आएगा, +5। यहां पर Y मोल ऑफ B चार्ज कितना आएगा, -X। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट था जो डिसोसिएट हो रहा है। अब देखिए इनिशियली मतलब अभी हमने इसको डिसॉल्व नहीं किया है, तो सिंपली इसके मैंने 1 मोल लिए, अभी ये डिसोसिएट नहीं होगा, 0 0 बिफोर डिसॉल्यूशन। ये जो मैंने यहां पे लिखा है AxBy, यहां पे लिख देता हूं बिफोर डिसॉल्यूशन, इसके कितने मोल्स हैं, 1 मोल्स हैं। बट आफ्टर डिसॉल्यूशन क्या हुआ, आफ्टर डिसॉल्यूशन क्या हुआ कि 1 में से ये जो इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल गिवन है, ये इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल डिसोसिएट होकर क्या बनाएंगे, कुछ आइंस बनाएंगे। तो इसके 1 मोल में से डिसोसिएशन होगा और इस ये जो इलेक्ट्रोलाइट है AxBy, इसकी कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी। जरूरी नहीं है कि हर बार ये 100% ही डिसोसिएट हो रहा हो। तो मान लीजिए इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। चलिए तो देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है, हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं कि अल्फा मोल्स ऑफ AxBy गेट डिसोसिएटेड। अल्फा का मतलब डिग्री, मतलब परसेंटेज।
तो देखिए वन में से इसके गिवन मोल कितने हैं, वन मोल कंसीडर किया है हमने, तो वन का अल्फा परसेंट डिसोसिएट होगा। वन का अल्फा परसेंट मतलब कितना हो गया, अल्फा। जब वन मोल के लिए अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो एक्स मोल के लिए कितना बन जाएगा, एक्स मोल के लिए एक्स अल्फा बन जाएगा। ये सिंपल स्टोइकियोमेट्री है जो 11th क्लास में फर्स्ट वाला जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वहां पर हम लोग सीखते हैं। एक बार और बताता हूं, देखिए इनिशियली हमको वन मोल दिए गए थे, वन मोल में से इसके इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट होंगे, इसके जो आइंस हैं वो इसमें से डिसोसिएट होंगे, तो वन का अल्फा परसेंट डिसोसिएट होगा। तो वन का अल्फा परसेंट कितना हो गया, अल्फा। वन मोल के लिए डिसोसिएट कितना हो रहा है, अल्फा। तो एक्स मोल के लिए कितना बनेगा, एक्स अल्फा। तो वाई मोल के लिए कितना बनेगा, वाई अल्फा। सिंपल, एक्स मोल के लिए एक्स अल्फा, वाई मोल के लिए वाई अल्फा। अब एक चीज देखें आप लोग, ये आफ्टर डिसोल्यूशन है, ये बिफोर डिसोल्यूशन है, ये बिफोर डिसोल्यूशन है। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको ध्यान में रखना है हमको। अब आफ्टर डिसोल्यूशन यहां पर टोटल नंबर ऑफ आइंस ऑफ सॉल्यूट या टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं वो कैसे पता करें हम। देखिए ये भी सॉल्यूट सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट है, ये सॉल्यूशन सॉल्वेंट में, ये भी सॉल्वेंट में ही प्रेजेंट है। मतलब ये कि ये डिसोसिएट ए एक्स बी वाई डिसोसिएट हो रहा है आइंस में, तो ए एक्स बी वाई भी सॉल्यूशन में है, आइंस भी सॉल्यूशन में है। तो टोटल नंबर ऑफ आइंस हम लोग कैसे निकाल लेंगे यहाँ, आफ्टर डिसोल्यूशन टोटल नंबर ऑफ आइंस ये हो जाएंगे वन माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोल्यूशन। तो देखिए वन माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वन माइनस अल्फा प्लस एक्स प्लस वाई, और अल्फा यहां से कॉमन ले लिया। अब ये जो एक्स प्लस वाई है, दीज आर द टोटल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ आइन, एक्स मोल और वाई मोल। तो x प्लस वाई क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ आइंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो इसको मैं यहां पर डिनोट कर दूंगा n से, किससे, n से। दिस n बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन। तो मुझे मिल गया 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। अब देखिए आगे डिसोसिएशन के केस में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल या टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आ गए हैं 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब हम लोग जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो यहां पर हम लोग एक पॉइंट और जानते हैं, आई इज इक्वल टू एबनॉर्मल सीपी को क्या लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल सीपी, और नीचे आता है नॉर्मल सीपी। अब एक चीज देखिए, एबनॉर्मल सीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, और नंबर ऑफ पार्टिकल कौन से वाले, आफ्टर डिसोल्यूशन, वो कितना आ रहा है, वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। और नॉर्मल सीपी कब आएगी, बिफोर डिसोल्यूशन, वो कितने हैं, वन। तो मेरे पास यहां आई के लिए फॉर्मूला आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। दिस इज द करेक्शन फैक्टर, दैट मींस वांट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन। आप लोगों के यहां डेरिवेशन नहीं बनता है, आप लोग सीधे फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि एबनॉर्मल सीपी में अगर हम लोग डिसोसिएशन के लिए करेक्शन फैक्टर पता करेंगे आई, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस। ये ऐसे करके आप लोग आई की वैल्यू पता कर सकते हैं, और जब आपको आई की वैल्यू पता होगी तो एबनॉर्मल सीपी की वैल्यू पता कर लेंगे, आई इंटू नॉर्मल सीपी। तो ये था डिसोसिएशन के केस में। अब मान लीजिए इफ सॉल्यूट इज एसोसिएटेड, अगर सॉल्यूट
एसोसिएट होता है तो क्या करेक्शन होगा, तब आई की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहां लिख देता हूं, देखें इफ सॉल्यूट इज एसोसिएटेड, इफ सॉल्यूट इज एसोसिएट, मान लीजिए इफ आपके पास एक सॉल्वेंट है और आपने इसमें n मोल ऑफ a को डिसॉल्व किया और आफ्टर डिसॉल्यूशन ये n मोल एसोसिएट होकर बना देते हैं a n, n moles get associated. तो सिंपल देखिए n मोल ऑफ a get associated. तो यहां हम लोग देखेंगे बिफोर डिसॉल्यूशन, बिफोर डिसॉल्यूशन दिस इज वन दिस इज जीरो, आफ्टर डिसॉल्यूशन आफ्टर डिसॉल्यूशन वन माइनस, देखिए जब रिएक्टेंट कम होगा तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो वन में से मान लीजिए जो इसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी, ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वन में से वन का अल्फा परसेंट एसोसिएट हो गया, वन का अल्फा परसेंट मतलब कितना अल्फा। अब देखिए एन मोल के लिए कितना एसोसिएट हुआ है अल्फा, तो वन मोल के लिए कितना बनेगा अल्फा अपॉन एन, तो यहां पर आफ्टर डिसॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। अगर मैं यहां पर आई की वैल्यू निकालूं तो एम नॉर्मल सी पी ओवर नॉर्मल सी पी दिस इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, तो सी द डिफरेंस इफ द सॉल्यूट इज डिसोसिएटेड देन आई इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इफ सॉल्यूट इज एसोसिएटेड देन आई इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। और एक पॉइंट देखिए कि आई बराबर होता है एब नॉर्मल सी पी ओवर नॉर्मल सी पी, डिसोसिएशन के केस में एब नॉर्मल सी पी मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा आती है थ्योरिटिकल वैल्यू से, इसका मतलब I इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन इन केस ऑफ डिसोसिएशन, बट इन केस ऑफ एसोसिएशन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ सी पी कम आएगी क्योंकि पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं तो पार्टिकल की संख्या क्या होगी कम हो जाएगी, तो वहां पर I की वैल्यू लेस देन वन आती है। इस पॉइंट को मैं आप लोगों को यहां नोट करा देता हूं, देखिए इफ सॉल्यूट इज डिसोसिएटेड आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, इफ सॉल्यूट इज एसोसिएटेड देन आई इज ऑलवेज लेस देन वन। अच्छा फॉर्मूला भी साथ के साथ लिख देता हूं, आई इज इक्वल टू वन माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, और यहां आई इज इक्वल टू वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन। हम लोग एक एक न्यूमेरिकल इस पर कर लेंगे, देखिए क्वेश्चन है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉरी पोटेशियम सल्फेट इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस अज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज गिवन टू अस, हमको क्या क्या दिया गया है, तो हमको इस तरह से देखिए कि कोई एक सॉल्यूशन बनाया गया है, इसमें 25 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट को मिलाया गया है, ठीक मिलीग्राम में है तो इसको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 2 लीटर, टेम्परेचर है 273 प्लस 25 दैट मींस 298 केल्विन, टेम्परेचर शुड ऑल्सो विल ऑलवेज इन केल्विन, अज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, इसका मतलब क्या है कि अल्फा इज 100%, अल्फा इज 100%
दैट मीन्स एल्फा विल टेकन एज 1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। हम सबसे पहले आई की वैल्यू पता करेंगे, क्योंकि देखो पोटेशियम सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट होने के बाद आइंस में ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होता है देखिए, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 विल गेट डिसोसिएटेड 2K प्लस एंड SO4 माइनस 2। तो देखिए यहाँ पर 2 मोल्स हैं पोटेशियम के और 1 मोल्स हैं सल्फेट के, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 3। ओके, अब एक चीज़ देखते हैं हम लोगों ने डिसोसिएशन के केस में I का फॉर्मूला है 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, तो 1 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 3। I की वैल्यू कितनी है 3 है, और हम लोग जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर हमको निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर दैट मीन्स पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी, और इसमें मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा आई का, क्योंकि थ्योरेटिकल वैल्यू में करेक्शन फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमको पता चलेगी। तो देखो सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू है डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू आर इंटू टी। डब्ल्यू बी की वैल्यू है आपके पास 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3, पोटेशियम सल्फेट का मॉलिकुलर वेट लिखेंगे, वॉल्यूम है 2 लीटर, आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 298 केल्विन, जस्ट सॉल्व इट। आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर निकल कर आ रहा है व्हेन द सॉल्यूट इज गेटिंग डिसोसिएटेड। अच्छा, अगर मैं इसमें आई का मल्टीप्लाई नहीं करूँगा तो दिस इज द एबनॉर्मलिटी, उस एबनॉर्मलिटी को करेक्ट करने के लिए ही तो हमने फैक्टर को मल्टीप्लाई किया है। ठीक, और एक चीज़ देख सकते हैं, तो आई की वैल्यू यहाँ पर 3 है और डिसोसिएशन के केस में आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ऐसे ही आप लोग कोई एसोसिएशन वाला एग्जाम्पल जैसे एनसीईआरटी में गिवन है, आप लोग वहाँ से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर मेरी साइड से कम्प्लीट है, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।